हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक रंग का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेडीज, जेंट्स और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में। सिर्फ दो सिलाई का डिज़ाइन है, जो वही दो सिलाइयाँ आपने आगे आगे रिपीट करते जाना है। देखिए, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिर्फ डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए। मीन जो दो दो फंदों में जो पैटर्न बनता है, देखिए मैंने जो दो दो फंदों का जोड़ लिया है, मैंने 14 फंदे लिए हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए जो हमने थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है आपका, जो भी बॉर्डर होगा, बॉर्डर के बाद हम अपनी 2 बेस रो डालेंगे, फाउंडेशन रो। देखिए, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो सीधी साइड से। देखिए, ये हमारी फाउंडेशन रो है, ये हमें 2 रो बनानी पड़ेंगी। देखिए, 2 सिलाइयाँ हमने ये बनानी है। पहले हमने सीधा सीधा बुनकर पहली सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखिए, हमने सीधी साइड से एक रो बना लिया। हम बैक साइड आ गए। बैक साइड से हमने क्या करना है, देखिए बैक साइड से हमने पूरी रो को ऐसे, जैसे हमने सीधी साइड से बनाया था, बैक साइड से भी हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर ही कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अगर आप इस डिज़ाइन को थोड़ी लूज बनाएंगे तो जो बहुत अच्छा बनेगा। आप 9 और 10 सिलाई में से बनाइए तो ये अच्छा बनेगा। देखिए, 2 बेस रो हमने ये डाल ली हैं, एक सीधी साइड एक उल्टी साइड, दोनों साइड से हमने सीधा सीधा ही बुना है। अब हम सीधी साइड आ गए। देखिए, इसके बाद हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। डिज़ाइन की फर्स्ट रो पहली सिलाई, ध्यान से देखना, 1 2 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड को ऐसे पीछे लेकर गए। देखिए, अब हमारे जो 2 उल्टे फंदे हैं, दोनों के बीच देखिए जी लूप आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमने ऐसे उठाना है। अब इन 2 फंदों को हमने सीधा बना लेना है। देखिए, जो ये लूप हमने उठाया था, इसे 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ट्विस्ट कर दिया, फिर बुल को आगे लिख रहा है, 2 फंदे उल्टे, फिर से पीछे लेकर गया। देखिए, फिर से 2 फंदे हैं, दोनों के जो नीचे वाला लूप हमने ऐसे उठाया, दोनों फंदों को हमने ऐसे सीधा बुना और इस लूप को हमने 2 फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। फिर से 2 फंदे उल्टे, थ्रेड को पीछे लेकर गए, फिर से वही, इसको हमने ऐसे उठाया, सिलाई पर ले लिया, 2 फंदे सीधे बनाए, इसको हमने ऐसे ऊपर से निकाल देना है। देखिए, 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। देखिए, 2 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी, यही सिलाइयाँ आगे रिपीट होगी। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, देखिए जहाँ से हमारी फर्स्ट रो फिर से रिपीट हो रही है, हमने क्या करना है, देखिए बैक साइड से, बैक साइड से इसकी जितनी भी सिलाइयाँ पड़ेंगी सभी सीधे सीधे फंदों के साथ ही हमने बनानी है। देखिए, पूरी रो हमने ऐसे बैक साइड से सीधा बुनकर ही कंप्लीट करनी है। थर्ड रो, फिर से हम आगे आगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। कैसे, 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, थ्रेड को पीछे लेकर के। देखिए, फिर से 1 2 2 फंदे हैं, जो नीचे वाला हमने ऐसे लूप को उठाना है, दोनों फंदों को हमने ऐसे सीधा बनाना है, इस लूप को हम दो फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर से आगे लेकर आए, 2 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे। देखिए, फिर से जी नीचे वाला हमने उठाया, 2 फंदे हमारे सीधे आगे। अब जो लूप है, इसे हमने 2 फंदों के ऊपर से ऐसे ट्विस्ट कर देना है, 2 फंदे उल्टे, फिर से वही,
इसे उठाया, दो फंदे सी थे, आगे लेकर आए दो फंदे उल्टे। देखिए ये हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ दो सिलाइयों का ही पैटर्न है। हम इसे आगे आगे बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा जी। देखिए आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर आसान सा पैटर्न है ये, सिर्फ दो सिलाइयों में बनने वाला और बनकर बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।